नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पर आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज फिर से एक नए क्लासेस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कि लोड सेल कैसे चेक करें। आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो आपके पास बैचिंग सिस्टम होगा, आपके प्लांट में बैचिंग सिस्टम लगी हुई होगी और छोटे छोटे वेट इंडिकेटर लगे हुए रहते हैं और उसके अलावा भी बहुत बड़े बैचिंग सिस्टम लगे हुए रहते हैं। इस बैचिंग सिस्टम में लोड सेल का बहुत बड़ी ही भूमिका होती है। बिना लोड सेल का हम कोई भी सिस्टम को मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। क्या मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे? वेट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम मान के चलें कि यह हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये लोड सेल जो इंपॉर्टेंट इतना लोड सेल पार्ट्स है, ये पार्ट्स यदि खराब हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही में लोड सेल खराब हो गया है ना। बैचिंग सिस्टम अचानक चलते चलते एरर आ गई या फ्लैक्चुएशन हो रहा है या काम नहीं करना है कर रहा है, प्रॉपरली इंडिकेट नहीं दे रहा है, प्रॉपरली वेट इंडिकेट नहीं दे रहा है, तो हम कैसे समझेंगे। नॉर्मली होता क्या है दोस्तों, ये जो लोड सेल है ये वन टाइप का एक सेंसर डिवाइस है। हम सबसे पहले तो लोड सेल के बारे में आपको बताते हैं कि लोड सेल है क्या। लोड सेल एक ट्रांसड्यूजर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। अच्छा से समझिएगा, यदि एक लाइन में यदि आपसे कोई पूछे कि लोड सेल है क्या, लोड सेल एक ट्रांसड्यूजर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी भी वेट को मेजरमेंट करते हैं। आप कहें यह काम कैसे करता है, ये काम करता है जब ये ट्रांसड्यूजर डिवाइज होने के कारण, यह ट्रांसड्यूजर डिवाइज होने के कारण यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह ट्रांसड्यूजर डिवाइज होने के कारण मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम पीआईडी कंट्रोलर या पीएलसी में ले जाकर वेट इंडिकेट करते हैं, वेट का पता करते हैं। ठीक है, ये लोड सेल क्या है, लोड सेल किस तरीके से काम करता है, यह मैंने आपको बताया। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक, जस्ट दो सेकंड पहले जो मैंने बताया कि खराब लोड सेल, जो लोड सेल हमें खराब हो गया है हमको चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि लोड सेल मेरा खराब है या सही है, ठीक ना। तो सबसे पहले मैंने बता दूं दोस्तों कि लोड सेल में नॉर्मली फोर वायर होता है। फोर वायर में से दो वायर में हम इनकमिंग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, दो वायर में हम इनकमिंग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और दो वायर से हमें फीडबैक मिलता है। दो वायर से हमें क्या फीडबैक मिलता है, हम नॉर्मली लोड सेल में कितना वोल्ट सप्लाई देते हैं, सपोज एक लोड सेल लेते हैं, ठीक है, लोड सेल, एक लोड सेल में फोर वायर है, 1 2 3 4, एक लोड सेल में फोर वायर है, तो दो वायर में हम क्या रहते हैं, सपोज किस तरह से कलर कोड मार्किंग रहता है। नॉर्मली लोड सेल का जो कलर कोड का मार्किंग रहता है, रेड, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, इस तरह से मार्किंग रहता है ना दोस्तों। जब आप लोड सेल उठा के देखेंगे तो लोड सेल में फोर वायर रहता है और पांचवा वायर क्या रहता है, सील्ड। सील्ड वायर का काम क्या है, ये सील्ड वायर अर्थिंग को दिया जाता है। सील्ड वायर को क्या दिया जाता है, अर्थिंग को दिया जाता है, ताकि हमारा लोड सेल सही रहे, उसको प्रॉपरली अर्थ किया जाता है ताकि कोई भी लीकेज करेंट हमें लोड सेल को न मिले। ओके, वो लीकेज करेंट जीरो हो जाए। सील्ड से हम क्या करते हैं, सील्ड वायर को क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं। सील्ड वायर को हम अर्थिंग कर देते हैं, किस लिए करते हैं, कि लोड सेल में कोई भी बाहरी लीकेज करंट प्रवेश ना करे, ठीक ना। तो हम आते हैं अब लोड सेल कैसे चेक करते हैं। ये हमारा जो रेड ब्लैक वायर है, नॉर्मली ये इनकमिंग होता है और ग्रीन व्हाइट होता है आउटपुट, आउटगोइंग। रेड ब्लैक वायर जो होता है इनकमिंग वायर होता है, कहने का मतलब है इसमें इनकमिंग सोर्स हम देंगे, इनकमिंग सोर्स देंगे, इसमें क्या करेंगे, इनकमिंग सोर्स देंगे और इधर से हमें आउटपुट सोर्स मिलेगा, आउटपुट
फीडबैक मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट सिग्नल मिलेगा। ओके, तो नॉर्मली हम रेड ब्लैक लोड सेल, अब हम आपको बता दें कि लोड सेल को हमें क्या चेक करना है, लोड सेल को हमको कैसे चेक करना है। लोड सेल को चेक करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर का यूज करेंगे, एक मल्टीमीटर का यूज करेंगे, ठीक है, एक मल्टीमीटर का यूज करेंगे। मल्टीमीटर से हम दो चीज चेक करेंगे, लोड सेल मल्टीमीटर से हम दो चीज चेक करेंगे। क्या क्या चेक करेंगे, एक हम सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, लोड सेल का रेजिस्टेंस चेक करेंगे, और दूसरा हम इसमें सप्लाई चार्ज करकर, इसमें सप्लाई चार्ज करकर इस आउटपुट में हम मिली वोल्ट देखेंगे। हमें लोड सेल की जो सिग्नल प्राप्त होती है, आउटपुट सिग्नल जो मिलता है, कितना मिलता है, मिली वोल्ट में मिलता है, ठीक है। इस ग्रीन और व्हाइट वायर से हमें जो वोल्टेज मिलता है, आउटपुट वोल्टेज मिलता है, वो मिली वोल्ट में मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अब आप कहेंगे कि हम कैसे पता करें, कैसे पता करें कि इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आपके माइंड में ये सवाल आएगा, आपके माइंड में यह सवाल आएगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये लोड सेल का जो पैकिंग रहता है, पैकिंग क्या हो रहता है, लोड सेल जो पैकिंग डब्बा क्या रहता है, उस पैकिंग के अंदर में एक छोटा सा कागज रहता है, उस कागज में इनकमिंग रेड ब्लैक और ग्रीन व्हाइट, सपोज यदि रेड ब्लैक इनकमिंग वायर है और ग्रीन व्हाइट आउटपुट वायर है, तो वहां पर लोड सेल लिखा हुआ रहता है, सॉरी लोड सेल का रेजिस्टेंस लिखा हुआ रहता है। सपोज लोड सेल हमारा 1.5 टन का है, लोड सेल हमारा 1.5 टन का है, टनेज के हिसाब से, टनेज कैपेसिटी के हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ते जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। सब तरह का जो लोडेज कैपेसिटी है, जो हमारा सेंसर है लोड सेल, वो टन के हिसाब से इसका लोड रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा, अलग अलग रहेगा। तो सपोज 1.5 टन की एक लोड सेल है, तो उस लोड सेल की रेजिस्टेंस हमें यहां पर 350 ओम्स इनकमिंग में और आउटपुट में 350 ओम्स, या उस पेपर में पैकिंग के अंदर में एक पेपर रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आपको पता चल गया कि हमारा इनकमिंग रेड ब्लैक में भी 350 ओम्स और आउटपुट ग्रीन और व्हाइट में भी 350 ओम्स। सपोज ये 2 टन या 5 टन का, हम 5 टन का लोड सेल लेते हैं, 5 टन का लोड सेल लेते हैं, तो 5 टन का लोड सेल का रेजिस्टेंस जो वैल्यू है वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। रही बात, आप पैकिंग के अंदर में कागज नहीं मिलता है आपको, ठीक ना, पैकिंग के अंदर में स्पेसिफिकेशन आपको नहीं मिलता है, पेपर जो रहता है पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन रहता है लोड सेल का, नहीं मिलता है। उसके बाद भी आप चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। सपोज मानकर चलिए कि आपको रेजिस्टेंस वैल्यू आपको पता नहीं है, रेड और ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट, रेड और ब्लैक नॉर्मली इनकमिंग होता है और ग्रीन और व्हाइट नॉर्मली क्या होता है, आउटपुट होता है। हमेशा आप देखिएगा दोस्तों, इनकमिंग साइड का जो लोड सेल रहता है, कोई कोई लोड सेल में आउट इनकमिंग और आउटपुट दोनों का रेजिस्टेंस आपको सेम मिलेगा, और कोई कोई लोड सेल में जो दूसरे लोडेज की कैपेसिटी की, दूसरे टनेज कैपेसिटी की, दूसरे किलो कैपेसिटी की जो लोड सेल है, उसके रेजिस्टेंस वैल्यू आपको इनकमिंग में थोड़ा सा अलग मिलेगा और आउटपुट में थोड़ा सा अलग मिलेगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है, दो लोड सेल को ले लेना है, दो लोड सेल को ले लेना है, दोनों लोड सेल के, लोड सेल में बारी बारी रेड और ब्लैक में रेजिस्टेंस चेक करेंगे बाय मल्टीमीटर, बाय मल्टीमीटर देखेंगे कि रेड और ब्लैक में 370 ओम्स आ रही है, रेड एंड ब्लैक में 370 ओम्स आ रही है, एक लोड सेल में भी, एक लोड पहला लोड सेल में 370 ओम्स आ रही है, ठीक है, इसको छोड़ दिए। फिर इसके इनकमिंग रेड एंड व्हाइट में, सॉरी रेड एंड ब्लैक में देखेंगे, दूसरे लोड सेल के रेड और ब्लैक में देखेंगे, उसमें भी देखेंगे कि हमें 370 ओम्स आ रही है, 370 ओम्स रेजिस्टेंस आ रही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इनकमिंग में 370 ओम्स है, और आउटपुट में जब मैंने दोनों लोड सेल को चेक किया ग्रीन एंड व्हाइट वायर में, तो वहां पर भी हमें 350 ओम्स मिला। दोनों लोड सेल में जो रेजिस्टेंस हमें मिला, उस रेजिस्टेंस वैल्यू हमें समान मिला। इसका मतलब क्या है, हम एक लोड सेल को चेक कर यह
पता नहीं कर पाएंगे कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है। इसलिए दो लोड सेल को चेक किए, दो लोड सेल को जैसे ही हम चेक किए दोनों में सेम आ रहा है, तो हमें वहां से रेजिस्टेंस एक्यूरेट रेजिस्टेंस वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, और यदि स्पेसिफिकेशन आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। सपोज आपको स्पेसिफिकेशन मिला बाय मल्टीमीटर से, आपने इनकमिंग का रेजिस्टेंस देखा 350 ओम्स और आउटपुट का भी रेजिस्टेंस देखा 350 ओम्स, तो आपको समझ में क्या आया, इस लोड सेल की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बराबर है, इसका मतलब ये लोड सेल हमारा सही है। उसके बाद भी कभी कभी क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस वैल्यू आपको बराबर मिलने के बाद भी ये लोड सेल आपकी प्रॉपरली काम नहीं करती, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 वोल्ट सप्लाई जो इनकमिंग में देते हैं, 10 वोल्ट सप्लाई जो इनकमिंग में देते हैं, तो आउटपुट में क्या सिग्नल मिलती है, अभी मैंने आपको बताया मिली वोल्ट, क्या मिली वोल्ट, ये हम मिली वोल्ट जीरो से जैसे इसमें हम वेट रखेंगे लोड सेल के ऊपर में, जैसे ही हम वेट का प्रेशर देंगे, दबाव देंगे, तो मिली वोल्ट इंक्रीज करेगी, मिली वोल्ट इंक्रीज करेगी। सपोज मानकर चलिए इस लोड सेल में आपको डाउट हो रहा है कि ये लोड सेल हमारा खराब है, आप इनकमिंग 10 वोल्ट डीसी सप्लाई दिए, इनकमिंग 10 वोल्ट डीसी सप्लाई इनकमिंग वायर में दिए, ग्रीन और व्हाइट को ओपन कर लीजिए, आउटपुट वायर को ओपन कर लीजिए, ओपन कर बाय मल्टीमीटर आप डीसी वोल्टेज चेक कीजिए कि कितना मिली वोल्ट आ रहा है। आपको सपोज यहां पर 0.5 मिली वोल्ट मिला ग्रीन और व्हाइट वायर में, सपोज आपको 0.5 मिली वोल्ट मिला, तब इस लोड सेल के ऊपर में आप प्रेशर कीजिए, प्रेशराइज कीजिए या कुछ वेट रखिए इसके ऊपर, आप देखिए कि मिली वोल्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। यदि मिली वोल्ट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये इसका रेजिस्टेंस भी बराबर है, इसकी लोड, ये लोड सेल 100% सही है। यदि आप लोड दे रहे हैं, देखा गया कि एम्प्टी कंडीशन में 0.5 मिली वोल्ट आ रही है, आप जैसे ही लोड इसके ऊपर में दिए तो हमारा 0.5 मिली वोल्ट से 0.3 या 0.2 मिली वोल्ट, कहने का मतलब है मिली वोल्ट कम हो गया, माइनस में चला गया, इस कंडीशन में ये लोड सेल प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, ये लोड सेल खराब है। ठीक है, दो कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं, सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को चेक करें, यदि बराबर आता है तो हम समझ गए कि इसका रेजिस्टेंस ठीक है। इनकमिंग सोर्स देखे देखे आउटपुट में वोल्टेज देने के बाद जब ऊपरी प्रेशर देते हैं, ऊपर से दबाव देते हैं, तो मेरा मिली वोल्ट जो है पॉजिटिव में जाना चाहिए, कहने का मतलब है इंक्रीज करना चाहिए। दो कंडीशन में हम इसको चेक कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा यदि आपको डाउट है, अब बाजू वाले जो लोड सेल है, ऐसा तो नहीं है ना कि एक वेव सिस्टम में एक ही लोड सेल लगा हुआ है, हमारी कैपेसिटी यदि ज्यादा है तो एक वेव हॉपर में 3-4 लोड सेल लगी हुई है। अब बाजू वाले लोड सेल से टैली कर लीजिए कि इसका आउटपुट कितना आ रहा है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आ रही है, यदि दोनों की लोड सेल की रेजिस्टेंस वैल्यू सेम आ रही है तो लोड सेल ठीक है, और यदि इस दोनों में से एक की रेजिस्टेंस वैल्यू खराब आ रही है, ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, तो ये लोड सेल खराब है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, इस जो रेजिस्टेंस 350 ओम्स आप देख रहे हैं, 350 ओम्स ही आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 349 या 351 ओम्स में फ्लक्चुएशन करेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 ओम्स का डिफरेंस होना चाहिए। यदि 5 या 7 ओम्स का डिफरेंस आ रही है, 350 ओम्स की एक रेजिस्टेंस माने लोड सेल की रेजिस्टेंस है वो यदि 345 आ रही है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी खराब है, रेजिस्टेंस वैल्यू खराब है, ये लोड सेल खराब हो चुका है, ये लोड सेल प्रॉपरली हमें काम नहीं करके देगा, काम भी करेगा तो एरर आएगा, या तो फ्लक्चुएशन होगा या तो कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उस कंडीशन में आप ज्यादा से ज्यादा 1 ओम्स का वेरिएशन रख सकते हैं। यदि आपको 350 ओम्स की रेजिस्टेंस है, 345 या 355 आ रही है, इस लोड सेल खराब हो गया, ये लोड सेल प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, या मिली वोल्ट आप जब चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर से, मिली वोल्ट जब आउटपुट सप्लाई चेक कर रहे हैं तो मिली वोल्ट स्टेबल रहना चाहिए। सपोज यदि 0.5 मिली वोल्ट आ रही है तो 0.5 मिली वोल्ट आप कम से कम 1 मिनट तक मल्टीमीटर से पकड़कर वोल्टेज को चेक कीजिए, 0.5 मिली वोल्ट फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा,
0.5 से 0.4 या 0.5 से 0.6 तो नहीं चला जा रहा है, उस कंडीशन में भी आपको समझ लेना है कि लोड सेल खराब है, लोड सेल को चेंज कर देना है। तो इतने सारे बात को ध्यान में रखते हुए हम लोड सेल को चेक करेंगे, उसके बाद ही हमें निष्कर्ष पर आएंगे, एक डिसीजन पर आएंगे कि ये लोड सेल हमारा सही है या खराब है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करें, नए दोस्तों भाइयों तक हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।